हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? अरे इतना शौक होने की जरूरत नहीं है यार, आराम से बैठो, बात करते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो ना कपड़े कैसे पहने हुए हैं मैंने। अब ऐसे कपड़े पहन के निकलूंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना, और अगर सोसाइटी में रहना है तो मानना भी पड़ेगा, नहीं तो लोग ताने मार मार के लड़की को कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर देंगे। खैर छोड़ो यार ये सब, ये बताओ जब लड़की छेड़ते हो तो कैसा लगता है? मजा आता है या प्राउड फील होता है, या ऐसा लगता है कि लड़की छेड़ के मर्द बन गए? हाँ, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझो यार, कोई टेंशन नहीं है, जब चाहो जैसे चाहो यूज करो। अच्छा ये लड़की छेड़ना किससे सीखा? मम्मी से, पापा से? नहीं, फिर तो पक्का स्कूल में सीखा होगा। सेक्सी आइटम टोटा, और वो एक और वर्ड क्या यूज करते हो तुम लोग? हाँ माल। माल तो वैसे तुम्हारी माँ बहन भी है, क्योंकि उनके पास भी वही है जो मेरे पास है, समझ रहे हो ना? अच्छा वैसे आज तुमने मुझे तो छेड़ दिया, लेकिन अपनी बहनों को समझा देना कि ऐसे कपड़े पहन के ना निकले, नहीं तो लड़के छेड़ देंगे, हो सकता है रेप भी कर दे। निर्भया केस के बारे में सुना है? क्या हुआ था? कौन थी वो लड़की? थी ना तुम्हारी बहनों की तरह, तुम्हारे जैसे ही कुछ लौंडों ने उसका बलात्कार कर सड़क पर तड़पने के लिए फेंक दिया था। तुम लड़कों के अंदर ये जो जानवर होता है ना, ये अचानक से नहीं आ जाता, धीरे धीरे जन्म लेता है। तुम जब लड़कियों को छेड़ते हो तो लड़कियां कुछ नहीं कहती, हाथ लगाते हो लड़कियां फिर भी कुछ नहीं कहती, तुम रेप कर देते हो। तुम जैसे लड़कों को ना जानवर की शक्ल में पैदा होना चाहिए था, तुम लोगों को पैदा होते ही पिंजरे में डाल देते। आज जब घर जाओगे ना तो अपनी बहन से पूछना कि जब लड़के छेड़ते हैं तो कैसा लगता है। आज तो तुम दोनों साथ आई हो, लेकिन हो सकता है कि कल अकेली भी आओ।